शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा मेरा काई दोनों एक होंगे होंगे कबो नहीं होंगे हमरे साथ रही बे तो जीवन सुधर जाइबे तुहार और हमरे खिलाफ जाइबे तो सारा जिंदगी ई काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। गौरव, तुमने आने में बहुत देर कर दी। गौरव देखो ना, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बापू को बचा लो, हम सबको बचा लो गौरव। गौरव हमें यहाँ से ले चलो, सब ठीक कर दो गौरव। अगर अगर बापू को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। गौरव तुम हमें बचाओगे ना, हमें यहाँ से ले जाओगे ना, हमारा गौना कराओगे ना गौरव। गौरव जीना छोड़ सकता है पर अपनी गहना को नहीं। गौरव और गहना एक थे और हमेशा एक रहेंगे। हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा गहना। पर उससे पहले बापू को बचा लो, बचा लो बापू को, सब ठीक कर दो गौरव, सब ठीक कर दो। कैसे सब ठीक होगा गहना? इतनी आसानी से हमसे पीछा नहीं छूटेगा त्योहार। तुम्हारे पति पितरों का हमारे लिए छोड़कर चला गया। छोड़ दो हमको, महादेव की खातिर छोड़ दो हमका। अरे आज तो धोखा, तोरे महादेव भी नहीं बचा पाएंगे हमसे। छोड़ दो तेजा, अरे कैसे लोगे हम लोग, गलत करने वाले से ज्यादा गलत बर्दाश्त करने वाला गलत होता है। और आज आज इस पाप का पापी सिर्फ तेजा नहीं बल्कि आप सब हैं। लिख रहे महादेव, आप सबके पाप भी उनके खाते में लिख रहे हूँ। अरे कैसे नाती रिश्तेदार हो रहे तुम सब? तुम सबके सामने यहाँ एक लड़की का इज्जत लूट रहा है और तुम में से कोनो आगे नहीं आ रहा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गहना किसी मुसीबत में है? महादेव मदद करो।
यहां अटक गए। पता नहीं वहां गहना का क्या हाल होगा। बचाओ हमका, बचाओ, कोई तो मदद करो हमारी। वाह, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। लड़की की इज्जत बचाने का जिम्मा हम किन्नरों को लेना पड़ रहा है। अद्भुत, नपुंसक हो तुम सबके सब। और तू, तू तो सबसे बड़ा नाम मर्द निकला रे तेजा। इन नामर्दों की महफिल में तू एक लड़की की इज्जत का तमाशा बना रहा है। धत्रे पगली, तमाशा? अरे गलत फैमिली हुआ है तुमको। हम तो इका इज्जत बचा रहे हैं। इका दुल्हा गौना करने नहीं आया तो हम आ गए हैं बारात लेके इका दुल्हा बनने। गौरव तो अपना वचन भूल गया, पर तुमको अपना वचन निभाना है। गौरव को ढूंढ के लाना है और उसको याद दिलाना है कि तुम्हारा गौना होना भी बाकी है। बापू, कोई आगे नहीं बढ़ेगा और जो कोई भी इसके लाश को छुएगा उसका चिता भी इसके साथ चलेगा। पहले हमरे और गहना के फेरों की अग्नि चलेगी, उसके बाद की चिता को अग्नि मिलेगी। तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा गहना का कहना।
इसको छूने से पहले तुम्हें हमारी लाशों पर से निकलना पड़ेगा तेजा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम किन्नरों की लाश बिछाने वाला तू कितना बड़ा मर्द है। हम ना डरपोक है ना ही नियत से, हम तुमको हमारी बिटिया को देखने भी नहीं देंगे। बापू, बापू जी, बापू, बापू। इनकी चिंता ना ही करो, जल्दी चलो यहाँ से। तुम्हारे गौरव की कसम है, चलो जल्दी यहाँ से। वो नहीं आया तो खाओ, तुमको उसको पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी उठो। ने कहा था ना, हमारी बिटिया को देखने तक भी नहीं देंगे। इंस्पेक्टर। अरे सर, आप वो ड्राइवर कहाँ है? सर इधर है। उगलवाया नाम उसे उर्वशी का। महेंद्र पे कीचड़ उछालने का यही अच्छा मौका है हम अपोजिशन वालों के पास। बोल। उर्वशी, महेंद्र सिंह चौधरी ने एक बार तेरा हाथ क्या पकड़ लिया? तू अपने आप को महेंद्र सिंह चौधरी का दामाद समझने लगा है? तुझे क्या लग रहा है कि वो लोग तुझे छुड़ाने आएंगे? अबे शकल देख अपनी, वो लोग तो तुझे अब तक भूल भी गए होंगे। देख सच सच बता दे, गाड़ी कौन चला रहा था, तू या महेंद्र चौधरी की बेटी उर्वशी चौधरी? चल बोल। ड्राइवर, हाँ मैं साहब, गाड़ी भी हम ही चलाएंगे ना, मालकिन क्यों चलाएगी? जब तक ये उर्वशी का नाम नहीं लेता, टॉर्चर जारी रखो। आज सुबह करीब 9 बजे की घटना है ये, जब ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र चौधरी की गाड़ी राजनीतिक रैली को रौंदते हुए आगे निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है गाड़ी महेंद्र चौधरी की बेटी उर्वशी चौधरी चला रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उर्वशी चौधरी की जगह उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। ये सब क्या है उर्वशी? तो क्या हो गया माँ? ड्राइवर है, काम है उसका, और वैसे भी पापा ने कहा है कि उसे उसके काम का हर्जाना मिल जाएगा। So that's it. चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पापों की अंतिम क्रिया में जरूर जाएंगे। चाहे वो तेजा, हम ये जाने क्यों ना रहे, हम जाएंगे।
अरे गहना, होश में आ, होश में। अरे ये तो तेजा चाहता है ना कि तू जोश में आके खुद ही उसके जाल में फंस जाए, लेकिन मजा नहीं होने दे सकते। अगर तुमको कुछ भी हो गया, हम तुम्हारी अम्मा को कहाँ जवाब देंगे, कहाँ शक्ल दिखाएंगे? जरा सी थी तुम जब तुमको हमारी बहू बना के निश्चिंत हो गई थी। अम्मा ही तुम्हारी अम्मा है और तुम्हें सही सलामत रखना हमारा फर्ज। इसलिए कह रहे बिटिया, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। नहीं मैं, भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे आपके साथ। मैं अगर आपके जाने के बाद वो तेजा ने आपको कुछ कर दिया तो नहीं, अब हम लोगों को क्या बताएंगे? भाई हम आपके पास ही रहेंगे, हम कहीं रहेंगे। कुछ हुआ भी तो हम कुछ से आगे नहीं मिला पाएंगे बिटिया, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गहना रानी, अरे दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा तेजा आ गया है। गहना, क्या गहना तू जाया? नहीं मैं, हम कहीं नहीं जा रहे, चाहे जिसको जो करना हो वो करे, हम नहीं जाएंगे। लगता है हमारी दुल्हनिया शर्मा रही है हमसे बहुत। अरे ओ गहना, तोड़ दोड़ दरवाजा। गहना, उसका तो गौना हो गया, तुमको पता नहीं है का? भाई जी, लगता है वो पीछे के रास्ते से भाग गई। क्या हुआ, बहुत जल्दी मान गए? आओ ऐसे ठीक ही है, ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। यही सब सोचकर तो ये अत्याचार सह रहे हैं। सोचो मंत्री हैं, कानून को तो अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, अगर इनकी बात नहीं मानते ना हम तो हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते। एक दिन के आराम के खातिर जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते ना। हाँ बात तो सही कही। अरे एक बात तय है, यहां से छूटने के बाद हम इन लोगों के साथ फिर से काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को तो दूर से ही नमस्ते भैया, ऐसे लालच बहुत है। मैडम जी हमारा पूरा जिंदगी सेट कर सकती हैं, हमारे सपने पूरा करने में हमारी मदद कर सकती हैं। शुरुआत ही इतनी गंदी हुई है तो अंत का खतरा मोल ले नहीं सकते हम। वैसे भी तुम्हारी जमानत हो गई है, हम तुमको लेने ही आए थे। चलो आ जाओ। ठीक है वकील साहब, आप ले जा सकते हो उसको। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ये पेपर पर साइन कर दो। ये तुम्हारा पर्स और मोबाइल। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। महेंद्र बाबू ने जमानत करवाई है तुम्हारी, जाकर पैर छू लेना उनके। आओ। नाम नाम सत्य है,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हम हमारे बापू के अंतिम संस्कार किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें हमारी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जो भी करना है होश में करना होगा। तू सिर्फ अपने पापों का अंतिम दर्शन ही नहीं बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी करेगी। बड़े साहब। आओ आओ गौरव। छूट गए हवालात से, कोई तकलीफ तो नहीं हुई वहां पर? जेल की हवा मुफ्त में तो नहीं मिलते ना साहब, थोड़ा दर्द तो झेलना ही पड़ता है। खैर हम आपके लिए ये सब दर्द तो झेल लिए लेकिन ये नौकरी अब हम नहीं कर पाएंगे। बड़े सपने लेकर आए थे हम आपकी इस चौखट पर, सोचा था थोड़े थोड़े पैसे कमाएंगे, अपने अपने सपने पूरे करेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। खैर यहाँ तो पहले दिन ही जान आफत में आ गई साहब, पर आप लोगों की वजह से आज हम अपने गांव नहीं जा पाए। हमारा इतना जरूरी काम अधूरा रह गया साहब, पर अब बस अपना सामान लेकर जाते हैं। तो मिली कहीं? कहीं नहीं। जाओ जाकर रूम में देखो। भैया जी हम सुने हैं कि किन्नरों के अंतिम संस्कार को कोई और नहीं देखते। चलो उस तरफ जाकर देखते हैं, क्योंकि उधर तो जाएगी नहीं वो। कहा है ना कि शमशान में लड़कियां नहीं जाती हैं। चलो जी। गहना इस तरफ से शमशान चली जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, अब से तू हमारी बेटी है, तुझे जब भी आवश्यकता पड़े बेझिझक हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। और उस तेजा को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारी एक बहन का कत्ल किया है, उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ेगा, जहाँ बैठा तो यहाँ से भाग जा। गांव में क्या हो रहा होगा, किसी से बात भी नहीं हो पाई। Thank you.
तेजा भैया, गहना अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रही है, आप फौरन शमशान घाट आ जाइए। गौरव तो अपना वचन भूल गया, पर तुमको अपना वचन निभाना है। गौरव को ढूंढ के आना है और उसको याद दिलाना है कि तुम्हारा गौना होना भी बाकी है। गौरव तुम आज हमारा गौना करवाने के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से आज हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम कहीं फंसे हो। हम बापू की इस अंतिम अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लेते कि हम अपना गौना खुद करवाएं और तेजा से बदला लेने के लिए और तुम्हें गांव वापस लाने के लिए हम तुमका जरूर ढूंढेंगे गौरव, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हे महादेव, आपने हमें इस नए शहर तक तो पहुंचा दिया, बस इसी तरह आप हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचा दीजिएगा। अब आप ही कोई चमत्कार दिखाओ महादेव, हमें गहना से मिलवा दो। हमका ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमारे आसपास ही हो गौरव?